न्यूक्लिक एसिड इज़ लाइक जेनेटिक मटेरियल, ये जो है जेनेटिक मटेरियल बनाता है। और न्यूक्लिक एसिड शुरुआत होती है इसकी तीन बेसिक फंडामेंटल से, ठीक है। तो तीन बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, सबसे पहला सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, यही मिलके कुल मिला जुला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। चलिए देखते हैं कैसे। तो सुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये जो सुगर और जो नॉर्मली होते हैं नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। एंड उसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड जब आपके फॉस्फेट से जुड़ता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड, और ये डिफरेंट सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो है डीएनए और आरएनए, ये डिफरेंस होता है आपके राइबोज सुगर पे, कि इसमें जो पाया जाता है एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में राइबोज सुगर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुगर और फॉस्फेट मिलके बनाता है डीएनए का या आरएनए का बैकबोन। हमेशा ध्यान देना, बैकबोन जो बनाने वाला होता है वो सुगर और फॉस्फेट होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं इंटरमीडिएट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना, उस जो दो स्ट्रैंड्स को टुगेदर रखने का काम होता है डीएनए में खासकर, वो काम करते हैं बेसिस। और जो बैकबोन का काम करता है ये करते हैं सुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं कि सुगर, जैसा आपको बताया गया, बीटा डी राइबोज जो पाए जाते हैं, बीटा नॉट अल्फा, ध्यान रखना, बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज आरएनए में, बीटा डी ऑक्सी राइबोज 2 प्राइम ओएच एब्सेंट होता है, दैट इज इन डीएनए। व्हेन यू सी हियर दिस इज आरएनए स्ट्रक्चर, लेट मी जूम इट सो दैट एवरीवन कैन सी। देखिएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में दिस ओएच इज प्रेजेंट हियर, ओएच जो यहाँ पे पाया जा रहा है ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ नहीं है तो ये डीएनए के पाया जाने वाले शुगर है कि नहीं है। चलो नहीं है तो अच्छी बात है, तो दिस शुड बी लाइक, अगर समझ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दिस इज़ फॉर आर एन ए एंड दिस इज़ फॉर डी एन ए। नाउ अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस के लिए, तो नाइट्रोजिनस बेस इज ऑफ टू टाइप, वन इज प्यूरीन एंड अनदर वन इज पिरिमिडीन। प्यूरीन रिंग और पिरिमिडीन रिंग होते हैं। रिंग कुछ इस तरीके से पाया जाता है, इसमें नंबरिंग लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। प्यूरीन रिंग में शुरुआत होती है नंबरिंग यहाँ से, 1, 2, 3 ऐसे करके, फिर 4, 5, 6, फिर उसके बाद 7, 8 एंड 9, ये होता है नंबरिंग। जबकि इसमें नंबरिंग शुरुआत होती है नीचे से। प्यूरीन में क्या है, पी यू, यू मतलब ऊपर से, क्या है, ऊपर से शुरुआत होगी, ऊपर वाले नाइट्रोजन से शुरुआत होगी, जबकि इसमें यहां से शुरुआत होगा, 1, 2, 3, ठीक है, उसके बाद 4, 5, 6। आपको नाइट्रोजन को हमेशा प्रायर देना होगा कार्बन से, अगर ये पहला होगा तो ये तीसरा होगा ही होगा, अगर ये पहला है तो ये तीसरा होगा, आप दूसरी तरफ से साइकिल नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। इन्हीं पे किस किस नंबर पे क्या ग्रुप होता है उसी के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्यूरीन रिंग पे देखेंगे, 6th पोजीशन पे, दिस 6th पोजीशन पे अगर अमीनो ग्रुप होगा इट शुड बी एडेनिन, अगर 6th पे आपका ऑक्सी एंड 2 पे अमीनो आ गया तो इट शुड बी गुआनिन, ये गुआनिन हो जाएगा। पिरामिडीन के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसमें 2 पोजीशन पे सब पे ऑक्सी पाया जाता है, ये जो इसका 2nd पोजीशन, यहाँ पे 1 लिख गया है गलती से, इस 2 पोजीशन पे ऑक्सी पाया जाता है। 4th पे अगर ऑक्सी है तो यूरासिल, 4th पे अगर अमीनो है तो साइटोसिन, 4th पे ऑक्सी के साथ साथ अगर 5 पे मिथाइल है तो थायमिन आ जाता है। ये अलग अलग आपके नाइट्रोजनस बेसिस पा जाते हैं। लेट्स सी नाइट्रोजनस बेसिस जो मैंने आपको बताया उन्हीं के बारे में देखिएगा, वो सारा जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया। सी हियर कि ये देखिएगा कि 6th पे अमीनो ग्रुप है तो एडेनिन, अगर 2 पे ऑक्सी और 6th पे 2 पे अमीनो और 6th पे ऑक्सी है तो ये गुआनिन, अगर 2 और 4 देखिए 2 पे ऑक्सी 4 पे अमीनो तो साइटोसिन, 2, 4 दोनों पे ऑक्सी है तो यूरासिल,
टू फोर दोनों पे ऑक्सी, फिफ्थ पे मिथाइल है तो थायमिन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब कोई भी शुगर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शुगर का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में जब ये बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, अब इसमें OH होगा तो राइबोज और H होगा तो डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा। ये जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बेसिस से, और यहाँ पे जुड़ेगा फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड से। एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो मोनो, दो जुड़ेंगे तो डाई, और तीन जुड़ेंगे तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस बॉन्ड्स जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो अलग अलग जो होते हैं वो यहाँ पे बॉन्ड हैं। पहला बॉन्ड ये जो ग्लाइकोसिडिक जहाँ से बेस जुड़ता है, इसके बाद इस बॉन्ड को COP बॉन्ड को बोला जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसके बाद POP को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? इट इज फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद एक जब इसी से फॉस्फोडाइस्टर आएगा, उसके बारे में भी वही बात करेंगे कि व्हाट इज दैट, ठीक है। नाउ इसके साथ ये जो पिरिमिडिन और प्यूरिन का न्यूक्लियस है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म कौन किससे आया है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। CSIR गेट में भी आ सकता है भाई, क्या ही भरोसा है, कुछ भी भरोसा नहीं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टाइम। जिस तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा कोड बता रहा हूँ, इस कोड से आपकी सारी चीज़ें हल्की हो जाएंगी। ये है नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये किस चीज़ का? पिरिमिडिन रिंग का। इसका कोड है ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन विल बी प्रेजेंट ऑन, ठीक है। ये जो है आपके थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पिरिमिडिन ऊपर प्यूरिन नीचे हो गया, तो इसको मैं बता देता हूँ कि इस पे देखिए पहले, ये है और इसमें जो आप देख रहे थे इसका कोड है द क्वेश्चन बैंक, द क्वेश्चन बैंक 132। मतलब पहला नाइट्रोजन द का मतलब है एस्पार्टेट, द क्वेश्चन बैंक। उसके बाद थ्री, ये है ग्लूटामिन, क्वेश्चन ग्लूटामिन, इसका सिंगल लेटर कोड है क्यू। उसके बाद बैंक, बी का मतलब है फॉर्मेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है बैंक। तो ये आपका आंसर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट। दिस इज द पिरिमिडिन न्यूक्लियस। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्यूरिन वन, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन विल बी प्रेजेंट, लाइक ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 713 विल बी प्रेजेंट ऑन FB पेज नंबर 26, ठीक है। यही है पूरा का पूरा किस्सा, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन मतलब GDQ 7th नंबर। यहाँ पे नंबरिंग की अगर हम बात करें तो यू नो दैट नंबरिंग, दिस वुड बी फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दिस इज 7th, 8th एंड 9th, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये अलग अलग है, 7th नंबर के नाइट्रोजन, जो 7th का नाइट्रोजन है ग्लाइसिन से है, देखिए। उसके बाद पहला नाइट्रोजन एस्पार्टेट से है, उसके बाद तीसरा और नौवां जो है ग्लूटामिन से है, थर्ड एंड नाइन ग्लूटामिन, अमाइड एंड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामिन, ठीक है। ध्यान देना, इट इज़ नॉट साइड वन अमाइड नाइट्रोजन, दैट शुड बी लाइक अमाइड नाइट्रोजन का ये है। इसके बाद जो हो जाता है फॉर्मेट बाइकार्बोनेट, दैट इज लाइक ये है कार्बन के लिए, दूसरा दो फॉर्मेट से है, और आठवां वाला, सिक्स वाला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट से है, ठीक है। तो ये अलग अलग कार्बन ग्रुप के डोनर्स हैं। तो FB 26 एंड 713 ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन, ये चीज़ आप याद रखे रहोगे, आपको हमेशा ये न्यूक्लियस जो है पता रहेगा। इसके साथ अगर हम पकरिंग की बात करते हैं, ये तो था आपके बेसिस के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट सुगर वन। सुगर में आता है बिकॉज सुगर इज थ्री डायमेंशनल, ज़्यादातर जो सुगर पाया जाता है जैसा आपको बताया गया था बीटा डी राइबोज या बीटा डी ऑक्सीराइबोज ये होता है, या बीटा डी जो होता है डी ऑक्सीराइबोज पाया जाता है। अब इसमें जो शुगर होता है, बिकॉज शुगर जो होता है पकरिंग मतलब नॉन प्लैनरिटी ऑफ राइबोज, इट कैन बी C2 इंडो या C3 इंडो। वी से इट C2 इंडो जनरली प्रेजेंट इन प्यूरिन एंड C3 इंडो जनरली प्रेजेंट इन पिरिमिडिन और RNAs। कोई भी शुगर ये जो होता है बिकॉज ऑफ द SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पहला कार्बन, ये एक्चुअली आप देखते होंगे शुगर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इसके साथ आता है यहाँ पे पांचवा, ये होता है। इसमें जो होता है यहाँ से जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस और यहाँ से जुड़ेगा फॉस्फेट। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये बिकॉज ऑफ इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हैं, और ये शुगर जो होता है ये काइरेलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? काइरेलिटी। काइरेलिटी प्रोवाइड करता है किसको? न्यूक्लिक एसिड्स को। जबकि नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं ये इसको एब्जॉर्बेंस के लिए जाने जाते हैं।
क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एब्जॉर्बेंस के लिए होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और जबकि ये होता है कायरलिटी के लिए। इसमें जब देखिएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में C2 अगर अंदर की तरफ है, देखिएगा C2 अगर अंदर की तरफ है तो दिस विल बी C2 इंडो, अगर C3 अंदर की तरफ है दिस इज C3 इंडो, ठीक है। तो ये फॉर्म जो होते हैं आपके पाए जाते हैं। नाउ इसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड में कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड क्या बताया गया था, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैन बी प्यूरीन और पिरिमिडिन। जब हम बात करते हैं प्यूरीन में, खासकर सिन प्यूरीन में, तो देखिएगा कि ये बल्की ग्रुप जो है, दैट द बल्की ग्रुप शुड बी ऑन द ओ साइड, जो बल्की सेक्शन है इस ओ के पास होता है, दिस इज सिन। इसके बाद होता है एंटी, जो बल्की ग्रुप है इधर आ गया अपोजिट साइड, बल्की ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। एंटी में जो ये ऑक्सीजन है वो अपोजिट साइड है, तो ये है एंटी। इसका अगर सिन देखोगे, सिन पिरिमिडिन, तो ये जो होता है नहीं पाया जाता। सिन पिरिमिडिन जो होते हैं इट इज़ लाइक वेरी रेयर, वेरी रेयर होता है। व्हाई, जस्ट सी हियर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कितना क्लोज है, दैट वेरी क्लोज, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, एंड वेरी क्लोज, दैट्स वाई वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस, बहुत ही ज़्यादा जो होता है यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी प्यूरीन में आपके सिन और एंटी दोनों होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन में जनरली एंटी पाया जाता है, नॉट सिन वन, ठीक है। क्या समझाया मैंने, प्यूरीन में आपको सिन भी मिलेगा, आपको एंटी भी मिलेगा, लेकिन पिरिमिडिन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एंटी, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जब ये न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आ गया, तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का ये पंगा था, सिन एंटी सिन एंटी, हर चीज़ों का ध्यान रखना, प्यूरिन पिरिमिडिन ये सारे जो आते हैं एब्जॉर्बेंस के बात होते हैं बेसिस से, ये इंडो उंडो वाले बात होते हैं आपके सुगर से, सिन एंटी बात होता है न्यूक्लियोसाइड से, अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें नाइट्रोजनस बेस सुगर एंड फॉस्फेट की बात होती है। तो अब इसमें चार्जेस कैलकुलेट करना होता है कि कोई भी एक लंबा पेप्टाइड या न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें क्या चार्जेस होंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है फॉर्मूला एन प्लस वन इन नेगेटिव, दिस इज द एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करिएगा, ए टी जी सी जी टी सी ए टी सी, वॉट शुड बी द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, तो व्हाट शुड बी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो दिस वुड बी एन प्लस वन नेगेटिव में माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन प्लस वन, दैट शुड बी माइनस टेन। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द चार्ज। अगर ये होता है सी टी ए टी ए, तो ये होते हैं पाँच, यानी चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा माइनस सिक्स, ठीक है। सो दिस इज यू कैन सॉल्व द चार्जेस। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑल लाइक ये जो है पूरे के पूरे किस में डिवाइड होते हैं, डीएनए में। डीएनए के कई अलग अलग पार्ट होते हैं, ए बी जेड, लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स और उनके साथ चलेंगे। पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो डिफरेंसेस में डीएनए के ऊपर जब हम बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं डीएनए, तो बी फॉर्म ए फॉर्म एंड जेड फॉर्म। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, जैसे कि बी फॉर्म राइट हैंडेड होता है, ए फॉर्म राइट हैंडेड होता है, जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड होते हैं। बी फॉर्म वन बेस पेयर का रिपीटिंग यूनिट है, इसमें भी जेड दो का होता है। इनके रोटेटिंग वैल्यूज 34.3, 33.4, 30 डिग्री, ये ऑलमोस्ट 30 प्लस होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इसके बाद मीन बेस पेयर पर टन जो होता है, इसमें 10.4, इसका 10.7 और जेड का 12 होता है। इसके बाद दिस इज डायामीटर, ये जो होते हैं 20, ये 23 एंड दिस इज 18 एंगस्ट्रॉम। नाउ अब आता है मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप पकरिंग, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप पकरिंग, हाउ यू कैन रिमेंबर वाइड मैनरो, ये इसके लिए कोड बताता हूँ मैं, कोड सुनते ही मज़ा आ जाएगा। कोड क्या है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए, अमन का बीएमडब्ल्यू झाड़ी में फंस गया, ठीक है। क्या बताया गया, अमन का बीएमडब्ल्यू झाड़ी में फंस गया, दिस इज फॉर यहाँ पे जहाँ पे भी आपके एम है दैट इज मेजर ग्रुप,
एम जितना भी है मेजर ग्रुप है, एम जहां पे है मेजर ग्रुप है। अमन, ए का मतलब है ए डीएनए, ए डीएनए का मेजर ग्रुप नैरो होगा, एन का मतलब क्या है नैरो। बी एम डब्ल्यू, बी डीएनए मेजर ग्रुप वाइडर, जेड डीएनए मेजर ग्रुप फ्लैट। याद हुआ क्या, ए का मेजर नैरो, बी का मेजर वाइड, जेड का मेजर फ्लैट। अब मेजर पता चल गया तो नैरो अपोजिट कर लो, नैरो होगा तो फ्लैट होगा, वाइड होगा तो नैरो होगा, फ्लैट होगा तो नैरो होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं ये किसका हो गया, ये तो आपका मेजर और माइनर ग्रुप का पंगा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट लाइक इंडो एंड एक्सो का पंगा। अमिताभ बच्चन की ज्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड, दैट ए बी जेड में सी जी, याद रखना ए डीएनए बी डीएनए और जेड में सी और जी, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसमें याद रखना है कि 32 की उम्र में अमिताभ बच्चन जो है 23 की गर्लफ्रेंड का पटाने की आस रख रहे हैं, ट्रिपल ए एस। ठीक है, सो दिस इज ए का मतलब सी थ्री इंडो, बी का मतलब सी टू इंडो, जेड में साइटोसिन सी टू इंडो, गुआनिन थ्री इंडो, 32 23 ट्रिपल ए एस, एंटी 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 सिन, एंटी 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 सिन। सिर्फ गुआनिन में सी थ्री इंडो है और सिन है, सिन जो होता है सिर्फ गुआनिन में पाया जा रहा है, बाकी सब में जो है एंटी पाया जा रहा है। और अमिताभ सी थ्री इंडो, ए डी एन ए का सी थ्री है, बी का सी टू है और इसका ये है। तो होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, सो जैसा आपको बताया गया था, वेन यू कैन सी ए फॉर्म आपको इस तरीके से दिखता हुआ मिलेगा, बी फॉर्म आपको इस तरीके से मिलेगा, जेड फॉर्म ऐसे मिलेगा। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डीएनए एंड डिफरेंसेस आपको बताए गए थे। इसके अलावा जो है, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहे तो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जहां पे आप देखेंगे इस तरीके से बी फॉर्म का डीएनए होता है, लार्ज ग्रूव है, दिस इज द लार्ज ग्रूव, ये जो है माइनर ग्रूव है, और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। 34 बेस पेयर लेंथ है, 20 इसका विड्थ है, इस तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। चारगाफ रूल के ऊपर बात करें तो चारगाफ रूल ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्यूरीन 50%, पिरिमिडिन 50%, ए प्लस जी दैट इज इक्वल टू द टी प्लस सी, ये पाया जाता है। पिरिमिडिन और प्यूरीन जो होते हैं 50-50% होते हैं, ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी, आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें जो पेयरिंग होती है खासकर डीएनए और इन सब में, पेयरिंग गुआनिन साइटोसिन का 126-234 और एडेनिन थायमिन का 16-34 होता है। दो दो दोनों में से हटा दो, दो और दो का पेयर, वन का आपके थ्री के साथ, सिक्स का फोर के साथ, इस तरीके से पेयरिंग जो होती है पाई जाती है। इसके अलावा डीएनए डीनेचुरेशन के ऊपर बात करते हैं, तो डीएनए डीनेचर करेंगे तो जब डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में होता है तो एब्जॉर्बेंस जो होता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एब्जॉर्बेंस जो है डबल स्टैंडर्ड का ज्यादा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा वो हाई हो जाएगा क्योंकि बेस जो होगा एक्सपोजर बढ़ जाएगा, बेस एक्सपोजर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये चीज़ होती है। मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज़ द वैलेस रूल, आप वैलेस रूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमीनो एसिड का, एक अमीनो एसिड का मॉलिकुलर वेट जो होता था 110 डाल्टन था, वैसे एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिकुलर वेट 650 डाल्टन होता है। और मेल्टिंग टेम्परेचर जी प्लस सी, यहाँ पे 4G प्लस सी एंड 2A प्लस टी, दिस इज वैलेस रूल, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डी नेचरिंग एजेंट्स में यहाँ के GC कंटेंट है, pH कंटेंट है, आयनिक स्ट्रेंथ है, ये अलग अलग पाए जाते हैं। GC कंटेंट, pH, आयनिक स्ट्रेंथ। GC कंटेंट अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो होगा TM जो है वो बढ़ जाएगा, pH अगर घटेगा तो TM घटेगा, H प्लस घटेगा तो TM घटेगा, H प्लस बढ़ेगा तो TM बढ़ेगा, H से pH का रिवर्स कर लेना। आयनिक स्ट्रेंथ लो हुआ तो TM बढ़ा, आयनिक स्ट्रेंथ हाई हुआ तो TM घट गया। DNA प्योरिटी चेक करने के लिए 260 पे एब्जॉर्बेंस ली जाती है, अगर 50 है तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है, अगर 40 है तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, और इसके साथ अगर आपके 33 है तो ये RNA हो जाते हैं। तो दीज आर द लाइक प्योरिटी लेवल, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दिस वन प्रॉब्लम विद द सुपर कॉइलिंग ऑल्सो, सुपर कॉइलिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पे हम बात करते हैं सुपर कॉइलिंग नॉर्मल स्टेट क्या होता है, कि कोई भी DNA नॉर्मल थिंग में रहता है, जब किसी भी चीज़ को ओवर वाइंड कर देते हैं या लेस वाइंडिंग कर देते हैं, जैसे दो धागे होते हैं ना, जब भी आप कभी भी ईयरफोन को, वी कैन सी दैट दिस इज ईयरफोन, नॉर्मल दो स्टैंड इस तरीके से है, इसको जब हमने आपको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा हमने इसमें देखिए वाइंडिंग बढ़ती चली हुई जा रही है, अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे
तो देखिए यू कैन सी हियर, ये जो है वाइंडिंग चलती चली जा रही है। तो अब इसको हम उल्टा रोटेट करेंगे तो वाइंडिंग घट रही है, मतलब कि कोई भी चीज़ जो रस्सी को जब रोटेट करे जितना ज़्यादा उसमें टाइट करते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा सर्कल होता चला जाएगा वो क्वाइल्ड होते चले जाएंगे। तो दैट इज क्वाइलिंग, डीएनए के केसेस में भी वही होता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में ओवर वाइंडिंग करेंगे, हेलिकल टर्न बढ़ेगा, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न घटेगा, राइट हैंडेड होते हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में दैट अनवाइंडिंग, दिस इज नॉट ओवर वाइंडिंग, ये पूरा का पूरा जो है ये हेलिकल टर्न यहाँ पे घटना चाहिए, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बढ़ना चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओवर वाइंडिंग, यहाँ पे ओवर वाइंडिंग की जगह अनवाइंडिंग होगा, ठीक है, अनवाइंडिंग। सो दिस इज द केस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, एंड बी डी एन ए के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर, लीनियर ये चीज़ें पाई जाती हैं। सर्कुलर के केसेस में रिलैक्स सुपर कॉइल दोनों हो सकते हैं, लीनियर में भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, और ये वन लिंकिंग नंबर को चेंज करता है एक से, दूसरा लिंकिंग नंबर को चेंज करता है दो से। अब ये लिंकिंग नंबर क्या बला है, तो कोई भी पर्टिकुलर देखने की कोशिश करिएगा कि लिंकिंग नंबर एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इज द लिंकिंग नंबर। जितना नंबर ऑफ हेलिकल टर्न पे आ जाता है, मान लो कि यहाँ पे जो है एक डीएनए के इतने लेंथ में इतना टर्न मान लो 10 है, 10 हेलिकल टर्न पे आ जा रहा है, तो इसका लिंकिंग नंबर क्या होगा, 10 होगा। अगर 20 होता तो 20 होता, 30 होता तो 30 होता। द नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, कितने हेलिकल टर्न है, एक टर्न है, उसके बाद दो है, ऐसे कर करके मतलब एक तरीके से ये टर्न है, देखिए एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर इस तरीके से एक घुमाओ, फिर दूसरा घुमाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। अब लिंकिंग नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इट इज़ नंबर ऑफ बेसिस एंड बेस पेयर इन वन हेलिकल टर्न, मतलब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है और एक हेलिकल टर्न में कितने पाए जाते हैं। तो जो एक हेलिकल टर्न होता है डीएनए का, इसमें कितना बेस होता है, बी डीएनए के हिसाब से अभी बताया गया है आपको कि इसके लिए होता है 10.4, ठीक है, 10.4, ए के लिए 10.7, जेड के लिए 12, ठीक है, ये ध्यान रखना। बी का अलग होता है, ए का अलग होता है, जेड का अलग होता है, ऐसा थोड़ी है, अगर कुछ नहीं दिया तो क्या कंसीडर करोगे, बी कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, दैट टोपोलॉजिकल वाइंडिंग एंड वृत्त नंबर, दैट इज सुपर क्वाइलिंग, दैट चेंज इन द लिंकिंग नंबर, दैट इज डेल्टा एल के इज लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल, दैट चेंज इन लिंकिंग नंबर दैट इज वृत्त नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द दिस डब्ल्यू, और इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही है, जो अगर चेंज इन लिंकिंग नंबर दैट इज इक्वल टू द लिंकिंग नंबर फाइनल मतलब लिंकिंग नंबर इनिशियल, वृत्त नंबर इज इक्वल टू द लिंकिंग नंबर माइनस टोपोलॉजिकल वाइंडिंग, यानी कि चेंज इन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू द वृत्त नंबर एंड इनिशियल लिंकिंग नंबर इज टोपोलॉजिकल वाइंडिंग। तो टोपोलॉजिकल वाइंडिंग कभी भी चेंज नहीं होता, एंड वृत्त नंबर आपका जो होता है वो चेंज है, और ये फाइनल लिंकिंग नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। कैलकुलेट करने का भी कुछ बता रहा हूँ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इसके साथ दैट सुपर हेलिकल डेंसिटी इज द चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाई इनिशियल लिंकिंग नंबर, दैट इज द सुपर हेलिकल डेंसिटीज। इसके अलावा कई डिफरेंट डिफरेंट आरएनएस पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए है, टीआरएनए है, अदर आरएनएस है। राइबोसोमल आरएनए में 70S है, 80S है, 50S लार्ज है, 30S लाइक 70S दो सब यूनिट में, 50S 30S होता है, 80S 60S 40S में होते हैं अलग अलग पार्ट में, 50S 23S और 5S में डिवाइड होता है, जबकि 60S 28S 5.8S एंड 5S में होते हैं। ज़्यादातर 70S जो होते हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन 80S जो होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। टीआरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे एल सेप्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, दिस इज एल सेप्ड स्ट्रक्चर। सिंगल एसएनआरएनए जो होते हैं, एसएनआरएनए बेसिकली पाए जाते हैं प्रोटीन स्प्लाइसिंग के लिए, ये जो होते हैं स्प्लाइसिंग के लिए पाए जाते हैं। एचएनआरएनए जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एसआईआरएनए जीन साइलेंसिंग के लिए होता है, एमआईआरएनए अरेस्ट करता है, और ये जो है एसआईआरएनए एमआरएनए का डिग्रेडेशन करता है, एमआरएनए का डिग्रेडेशन
करता है। दीज आर द थिंग्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं, ये सब फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपके आएंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेसेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आप लोगों से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके अलावा टी आर एन ए में ध्यान देना कि कुछ इस तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ, जिसके पास चार लूप पाया जाते हैं। एक आपका पाया जाता है सीसीए एंड, जहाँ पे सीसीए एंड पाया जा रहा है। एक टी साइज सी लूप होता है जिसमें सीडो यूरिडीन पाया जाता है, द टी साइज सी लूप। एक होता है एंटीकोडॉन लूप जो कि फाइव बेयर स्टेम का होता है। एक होता है डी लूप जिसमें डाईहाइड्रो यूरिडीन पाया जाता है। डाईहाइड्रो यूरिडीन का मतलब है डी, टी साइज सी लूप का मतलब है सीडो यूरिडीन, फाइव बेस पेयर स्टेम एंटीकोडॉन एंड सीसीए, ये सारी चीज़ें होती हैं। आरएनए के सब यूनिट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीज आर सम एमआरएनएस, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। नाउ ये देखने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था सुपर कॉइलिंग का केस, तो सुपर कॉइलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। इट्स अ वेरी इजी, जैसा आपको बताया गया कि नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इज द लिंकिंग नंबर। हाउ यू कैन कैलकुलेट विद द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ बेस पेयर, कितना टोटल बेस पेयर दिया हुआ है, एंड इसके बाद जो दिया हुआ है कि दैट शुड बी दैट बेस पेयर इन वन हेलिकल टर्न। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि मान लीजिए कि 208 बेस पेयर का डीएनए है, 208 बेस पेयर का डीएनए, व्हाट शुड बी द लिंकिंग नंबर। तो देखिएगा लिंकिंग नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 208 बेस पेयर का डीएनए है यानी 208 इज द नंबर ऑफ बेस पेयर। एक अगर कुछ भी ना दिया हो तो कौन सा डीएनए कंसीडर करेंगे, बी डीएनए कंसीडर करेंगे। तो इसमें एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, अभी आपको बताया गया था 10.4, तो यू कैन कीप इट 10.4, दैट शुड बी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो लिंकिंग नंबर जो है ये 20 हो गया। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल अगर ये जो है 416 बेस पेयर डीएनए है, 416 बेस पेयर डीएनए है, एंड आफ्टर दैट लिंकिंग नंबर जो है चेंज हो जा रहा है, वो होके आपका हो जा रहा है 38, तो ये जो है क्या इसमें वैल्यू होगी दैट विड्थ नंबर की। तो देखिए अब ये है फाइनल, जो चेंज हो रहा है वो है फाइनल, इनिशियल इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा और विड्थ नंबर पता चल जाएगा। विड्थ नंबर आपको पता था दैट फाइनल लिंकिंग नंबर माइनस इनिशियल लिंकिंग नंबर, या इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल वाइंडिंग। फाइनल लिंकिंग नंबर इज 38 माइनस ये जो है देखिएगा 416 डिवाइडेड बाई 10.4, क्यों, क्योंकि ये बेस पेयर है, ये लिंकिंग नंबर नहीं है, बेस पेयर है और उसको बी डी एन ए डिफॉल्ट मान के आप ये काम करोगे। तो ये है 38 माइनस ये जो है 40, तो वैल्यू आ जाएगी -2। ये वैल्यू विड्थ नंबर की वैल्यू अगर -2 आ गई, मतलब ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गया। क्या हो गया, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आता रहता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लर्न कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।